मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, यार बेवफा निकली रानी मेरी। बात तो सिर्फ नजरिए की है, मैं काफी अकेला हूँ और मैं अकेला ही काफी हूँ। वो बेवफा है तब भी उसी से मोहब्बत करूंगा, किसी यारी गैरी के मुंह में लगना नहीं चाहता। ओ अस्सलाम वालेकुम, आज के फिर से एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेके आए। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं अरिश्फा खान एटीट्यूड शायरी वीडियोस के ऊपर, जो कि यार मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक इसको भी पसंद है, इसको पसंद है क्यों? क्योंकि यार ये इतनी कमाल के एक्सप्रेशन देती है और उसके अलावा जो शेर यूज करती है जो कि वो काफी कमाल के होते हैं। तो यार बहुत दिनों बाद जो है वो अरिश्फा खान की शायरी सुनने जा रहे हैं। आई थिंक महीना तो हो हुआ है। तो अब यार और हाँ फिर से जो है हम लोग जा रहे हैं वापस जो है ना वो मतलब इंडियन टिकटॉकर्स की तरफ। तो यार जो हमने छोड़ दिए थे क्योंकि नया साल है तो मैंने कहा कुछ चेंज अब शुरू करना चाहिए फिर से। तो गाइस यार प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। और एक और बात आप लोग देख रहे हो यहाँ पर चेंज, मतलब यहाँ पर जन्नत आई हुई है आज, जो कि आई थिंक एक दो वीडियो में आई हुई है हमारे चैनल की। और आज अबा की जो है ना थोड़ा हेल्थ इशू थे, थोड़े मतलब कहते हैं ना सर्दी चल रही है तो थोड़ा वो सर्दी वो बुखार वगैरह हो जाता है। तो मतलब उस वजह से जो है ना वो आज नहीं है, तो ये आई है। तो यार इसका जो इंस्टाग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और आई थिंक आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, तो उसको भी जाकर फॉलो करो। और हो सकता है यार ये आती रहे यहाँ पर, अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओ इस चैनल के ऊपर, तो जो कि इसको हम भर सकते हैं महंगे यो हैं स्टार्स जिनको लेके नहीं आ जा सकता। तो मतलब यार देखो फाइनली हम फिर से इंडियन टिकटॉक की तरफ जा रहे हैं। तो यार वीडियो लास्ट तक देखना, तो स्टार्ट करते देनी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कौन सी रिप्रेशन चाहिए और मैसेज कैसे रखना। प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, बाकी वीडियो देख सको। स्टार्ट करते देनी करते, 1 2 3 लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखना। तो 1 2 1 तो वी वही करो जो आपको अच्छा लगे, जिंदगी आपकी है किसी के बाप की नहीं। एक्सप्रेशन देखो सर इसके, जलने वालों बददुआओं में थोड़ा जोर डालो यार, दिन ब दिन मेरे चाहने वाले बड़े जा रहे हैं। बुराई भी वही करते हैं सर, एक बराबरी नहीं करते। जो तूने आज किया है वैसा ही कल तेरे साथ भी होगा। तूने ऐसा मैंने के साथ, ऐसा कर्मा कहता है कर्मा। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान लगे कि तुमको पहली मोहब्बत की बददुआ न लगे। जो ठीक नहीं लगा साफ मना कर दिया, मतलब के लिए रिश्ते नहीं निभाए हमने। कि जो ठीक नहीं लगा साफ मना कर दिया, मतलब के लिए रिश्ते नहीं निभाए हमने। और जो है अपनी मेहनत पे है, तेरी तरह लोगों के पैर नहीं दबाए हमने। थोड़ा इंतजार तो कर लेते, मेरे दिन खराब थे दिल नहीं। बात तो सिर्फ नजरिए की है, मैं काफी अकेला हूँ और मैं अकेला ही काफी हूँ। किसी को हद से ज्यादा इश्क करके देखो यार, ये जिसके दिल कमाल क्यूट। उसकी गली में बैठा रहा जिद्दी बनकर, जिद्दी वो भी बड़ी घर से निकलती नहीं है। ये तो काफी मेकअप, वो तो अच्छा मेकअप। मैं पागल लगता हूँ पर लगना नहीं चाहता, किसी गैर के गले में लगना नहीं चाहता। वो बेवफा है तब भी उसी से मोहब्बत करूंगा, किसी यारी गैरी के मुंह में लगना नहीं चाहता। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, बच्चों ले वाले चल झूठा। कोई वफा करे तो वफा नहीं, ना करे तो दफा कीजिए। कुत्ते को घी और इंसान को सच्ची मोहब्बत कभी हजम नहीं होती। लोको तुम रोना पैर रोना रियावला मेरा कमो में ला रही। मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, यार बेवफा निकली रानी मेरी। मेरा झूठ तेरे सच से एक ही बंदे के साथ, तुझसे बेहतर तो मेरी गली का कोई बच्चा होगा। मेरा झूठ तेरे सच से सच्चा होगा, तुझसे बेहतर तो मेरी गली का कोई बच्चा होगा। और तुम्हें तकलीफ है मुझसे कोई बात नहीं, मगर अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा। बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, मुझे जो तुम समझते हो तो गलत है। किसी दिन ये भी समझाना भाई से शेड चेक कर। इतना ऊपर उठ के घमंड मत दिखा मेरे दोस्त, तेरी किस्मत बदली है, औकात नहीं। शौक और शानापंती वाली बातें हमें नहीं जमती, और फर्क सिर्फ इतना है कि जिनकी सबसे बनती है हमारी उन्हीं से नहीं बनती। मेरा जिक्र तक ना करे, इतनी भी ना खफा हो, वापस आ मेरा प्यार लौटा, चल अब दफा। ये चीज खतरनाक लेवल है यार। ये लिपस्टिक बड़ी अच्छी है, मेड, इसको मेड बोलते हैं। हर किसी पे बरसता एक बादल हो जाएगी, मेरा यकीन कर, मेरे बाप को पागल हो जाएगी। और यकीन करने की मिट्टी जहरीली हो गई थी, यकीन करने की मिट्टी जहरीली हो गई थी, उसमें भी ये लड़का मोहब्बत के बाग लगा सकता था, और किसी की मुस्कान के आगे खुद को बुझा लिया इसने, वरना चाहता तो शहर में आ यार। कमाल। 2, 3, 4 मुझसे जलोगे कितनी बार। म्यूजिक ओके जी। खत्म करते हैं आज कलेक्शन तो यार, मतलब हमेशा की तरह अरिशफा खान के शायरी। अच्छा शायरी तो एक साइड पे कर दो, लेकिन जो एक्सप्रेशन ओए होए भाई साहब, एक्सप्रेशन ऐसे आते हैं और ऐसे बोले देते कि वो खुद बोले रही है। हाँ मतलब लिपसिंग लगती ही नहीं है। मतलब यार सच मुझे वैसे भी अरिशफा खान काफी पसंद क्यूटनेस में, लेकिन यार उसकी शेरो शायरी में तो वो एक्सप्रेशन की क्वीन बन जाती है ना। तो ओवरऑल तो यार भाई कमाल है, मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे तो मेकअप और एक्सप्रेशन सब कुछ ही, मतलब मेरी तो फेवरेट है ये, क्योंकि स्पेशली ना मतलब जब लोग इस तरह की वीडियो नहीं बनाते ना, ये बनाती थी, तो इसमें वो भी ज्यादा डिफरेंस कर देती है इसको। और बाकी क्या बताना चाहिए बता दो, क्या बताना चाहिए बता। क्या मतलब यार वही बात है कि अब वही बताइए इसको ना, इतना पता नहीं रिएक्शन देते कैसे, तो थोड़ा बहुत कर लिया कि हमें जो पता है। तो गाइस यार मतलब मेन चीज यही है कि मतलब अच्छा अरिशफा खान की ड्रेसिंग कोई इतनी वो नहीं है कि ओवर भी नहीं है और इतनी ज्यादा भी कोई स्टाइलिश नहीं है, एक सिंपल और अच्छी जो कि उसको सूट करती है। तो ओवरऑल जो है ना यार वीडियोस हम दोनों काफी अच्छी लगी हैं। आप लोग हमारे बीच में देख चुके हो रिएक्शन जैसे हमें कितने वाव फैक्टर्स थे। तो ओवरऑल तो यार कमाल धमाल मजेदार बेमिसाल वीडियो तो हमें तो काफी अच्छी लगी। होप आप लोगों को भी अच्छी लगी। अगर आप लोग अच्छी लगी तो क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप लोगों को अरिशफा खान के एक्सप्रेशन अच्छे लगते हैं, क्यूटनेस अच्छी लगती है या शायरी अच्छी लगती है, तो ये जरूर बताना। तो खत्म करते हैं आज का रिएक्शन। अगर आपको हमारी चैनल अच्छी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कौन सी रिएक्शन चाहिए, हमारे चैनल कैसे लगता है, प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, बाकी वीडियो देख सके। खत्म करते हैं आज के रिएक्शन। 1, 2, 3 बाय।